हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे यहां पर होगा दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबला। और दोस्तों आप लोगों को बता दें इस मैच की दोस्तों हम लोग ग्रैंड लीग की टीम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं और आप लोगों को 20 से 21 टीम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग 3 टीम भी बनाते हैं, मैं जैसा कि दोस्तों ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन आप लोगों को बनाकर बताता हूं और मात्र 3 टीम ही प्रोवाइड करवाता हूं। वीडियो के अंदर आप लोगों को 3 टीम मिलेंगी, साथ में टेलीग्राम पर टॉस के बाद भी हम लोग सिर्फ 3 टीम ही आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं और वहीं से जो है आप लोग जो है अच्छी खासी रैंक 1 से 5 तक के बीच में रैंक भी ला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मेरे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मैं अपनी हर वीडियो में स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ कि हमने जो है इतने सारे विन करवाए लोगों को और भाई मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं और टेलीग्राम मेंबर भी हैं। भाई दोस्तों रोज बॉन कर रहे हैं ग्रैंड लीग्स पूरे यूट्यूब पर। आप लोगों कोई भी ग्रैंड लीग्स की सलाह नहीं देता होगा ग्रैंड लीग के लिए और दोस्तों, लेकिन हम सलाह देते हैं ग्रैंड लीग के लिए। और आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत से लोग बोलते हैं कि किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग लगाएगा तो लोग IAS IPS ऑफिसर बनना है, तो आप लोग दोस्तों ड्रीम इलेवन पर रैंक क्यों नहीं ला सकते। आप लोग अगर ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाना चाहते तो भाई की वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले तो आप लोग भी ग्रैंड लीग जरूर जीत सकते हैं। दोस्तों हम लोग जो बहुत अच्छा खासा पैसा छाप चुके हैं इस IPL के सीजन में, वो भी ग्रैंड लीग से, ना कि दोस्तों स्मॉल लीग और हेड टू हेड कॉन्ट्रैक्ट से। हम लोग ग्रैंड लीग बॉन्ड करवा कर दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी ग्रैंड लीग बॉन्ड करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ पर दोस्तों 9 अप्रैल को यह मुकाबला खेला जाएगा, 7:30 बजे से यह मुकाबला खेला जाना है। यहाँ पर दोस्तों महाराजा युवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला जो खेला जाएगा। आगे दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, किस प्रकार की पिच होने वाली है और ग्रैंड लीग की टीम भी आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे, मात्र 3 टीम, उन्हीं से आप लोग अच्छा खासा जो है दोस्तों रैंक हासिल कर सकते हैं। पहले पिच रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, बैटिंग पिच है, एवरेज स्कोर 174 रन है, हाईएस्ट स्कोर 174 रन है, क्योंकि एक ही मुकाबला यहाँ पर हुआ है दोस्तों, लोएस्ट स्कोर भी 174 रन, एक ही मुकाबला यहाँ पर हुआ है दोस्तों, जो कि दोस्तों मुलमपुर स्टेडियम में पिछला वाला जो मुकाबला खेला गया था जहाँ पर चेस करते हुए जो मैच जीता गया था, एक मैच खेला है और चेस करते हुए वह मुकाबला जीता गया था। तो पिच का दोस्तों इतना ज़्यादा अनुमान नहीं, लेकिन एवरेज स्कोर 174 से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाई स्कोरिंग मुकाबला यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच जो होगा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। आगे दोस्तों बात करेंगे वेन्यू पर किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेसर्स ने 9 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स को 3 विकेट मिले हुए हैं। इस वेन्यू की बात करें तो दोस्तों पेसर्स को 9 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट, यानी कि दोस्तों पेसर्स को मदद रहेगी यहाँ पर जो स्पिनर्स की तुलना में। ध्यान रहे दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम आप लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं आगे वीडियो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब के अंदर रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड रिकॉर्ड्स ये बताने वाले तो बहुत से यहाँ पर जो है यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो आप लोगों को ग्रैंड लीग की सलाह देते कभी भी नज़र नहीं आएंगे, कि वो कभी नहीं आपसे बोलेंगे ग्रैंड लीग खेलिए, वह सिर्फ हेड टू हेड और 3 मेंबरशिप कॉन्टैक्ट वाले होंगे जो आप लोगों को सलाह देंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ से आप लोग जो है कभी भी बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट करके दोस्तों बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग अपने भाई के साथ जुड़कर खेलिए, तो ही आप लोग बहुत अच्छा खासा ग्रैंड लीग बॉन्ड करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो ग्रैंड लीग आप लोग बॉन्ड करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ग्रैंड लीग के आगे आप लोगों को टीम बताने वाला हूँ, उससे पहले प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और फैंटेसी में आप लोग किस प्रकार का कॉम्बिनेशन अपना रखना चाहिए ये भी सारी आगे वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करें तो शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, राहुल चाहर, हर्षल पटेल, हरप्रीत बुमराह, कलेश्वर रबाड़ा, अर्शदीप सिंह और शशांक सिंह, इस प्रकार की 11 खिलाड़ियों की टीम आप लोग खेलती हुई नजर आएगी। बात करें तो दोस्तों पंजाब किंग्स की, जिसमें आगे दोस्तों वीडियो में बात करें कौन कौन से ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोगों को किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों सबसे अहम जानकारी, अगर आप लोग ने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर आप लोग टॉस के बाद जो है हम लोग फाइनल टीम प्रोवाइड करवाते हैं और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों की टीमें यहाँ पर आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आप लोग नहीं लगने वाला है। ग्रैंड लीग की टीम मात्र 3, वहीं से आप लोग 1 से 5 के बीच में रैंक हासिल कर सकते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो किस प्रकार की प्लेइंग इलेवन रहेगी SRH सनराइजर्स हैदराबाद की, तो मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मार्क एंसन, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और टी नटराजन, इस प्रकार के 11 खिलाड़ी आप लोग खेलते हुए नजर आएंगे। बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में, लेकिन यहाँ पर जो 2 बदलाव मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड है उनको खेलने पर संदेह बना है। अगर भय दोनों फिट रहते हैं तो दोस्तों ये 2 खिलाड़ी यहाँ पर जो दिख रहे हैं, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, उनकी जगह आप लोगों को अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड खेलते हुए नजर जरूर आएंगे दोस्तों। लेकिन अभी संदेह है, इसलिए पिछले मुकाबले में ट्रेविस हेड बतौर इम्पैक्ट भी आए हुए थे, फील्डिंग करने नहीं आए थे, तो संदेह है। लेकिन अगर पूरी तरह से फिट हैं तो भय दोनों ही खिलाड़ी आप लोग यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे।
और दोस्तों अगर आप लोग ने अब तक अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपने विनिंग स्क्रीनशॉट अपने भाई के साथ शेयर कर सकते हैं। जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, भाई अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि सर आपकी वजह से इतना अच्छा खासा बॉर्न हो रहा है, भाई आपके वजह से इतना अच्छा खासा बॉर्न मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, साथ में फैंटेसी टिप्स कोई भी आप लोग रिलेटेड वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो भी वहाँ पर आप लोगों को एक स्मॉल वीडियो भी वहाँ पर मिल जाएगी। साथ में दोस्तों आप लोग चाहें तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर फैंटेसी टिप्स भी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, आप लोग टीम बनाना नहीं जानते तो टीम बनाकर भी वहीं पर आप लोग बताने वाले हैं किस प्रकार आप लोग कॉम्बिनेशन चाहिए, सारी जानकारी आप लोग वहीं पर मिलने वाली है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। और दोस्तों ये रही हमारी वो जो तीन टीम है, जो किस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग अपनी जीएल की तीन टीम बनाने वाले हैं, जो फाइनल टीम हमारी तीन टीम रहेंगे दोस्तों टॉस के पहले, उनके बारे में बात करेंगे। पहली टीम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों जॉनी बेस्ट, हेनरिक क्लासन, जीतेश शर्मा, ट्रेविस एड, अभिषेक शर्मा, प्रभसरमन सिंह, एडन मार्क्रम, सैम करन, पैट कमिंस, कगिसोर अवाड़ा और हरप्रीत बराड़। ये रही दोस्तों पहली और सबसे यूनिक टीम, जिसमें कैप्टन एडन मार्क्रम है और वाइस कैप्टन जॉनी बेस्टो हमारे जो दोस्तों होने वाले हैं। तो इस प्रकार की भी आप लोग जो अपनी यूनिक टीम बनाइए, क्योंकि हर टीम में बड़े खिलाड़ी ले लेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन बड़े खिलाड़ी को रख देंगे। तो दोस्तों ग्रैंड लीग में किस प्रकार टीम आई बताइए, मतलब हर जो व्यक्ति रहता है वह बड़े खिलाड़ियों पर दाव लगाता है ज़्यादातर, इसलिए आप लोग ग्रैंड लीग बॉन नहीं कर पाते। बड़े खिलाड़ियों पर दाव लगाना थोड़ा कम कीजिए, अपनी टीम में 5 से 6 बड़े खिलाड़ी रखिए और 4 से 5 जो छोटे खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन के साथ ही आप लोग जो है यहाँ पर ग्रैंड बॉन्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की यूनिक टीम जरूर बनाइए। दूसरी टीम के बारे में बात करेंगे तो हेनरिक क्लासन है हमारी टीम में, शिखर धवन, ट्रेविस हेड, शशांक सिंह, अभिषेक शर्मा, सिकंदर रजा, एडन मार्क्रम, सैम करन, पैट कमिंस, हर्षल पटेल और टी नटराजन। ये रही दोस्तों हमारी दूसरी टीम, जिसमें कैप्टन अभिषेक शर्मा है, वाइस कैप्टन हेनरिक क्लासन हम लोगों के जो दोस्तों होने वाले हैं। तो ये रही दोस्तों दूसरी टीम, जिसमें शशांक सिंह को हमने टीम में पिक किया है, सिकंदर रजा को भी पिक किया हुआ है और दोस्तों ट्रेविस हेड भी को भी इस टीम में हमने पिक किया हुआ है। और तीन दोस्तों गेंदबाज हैं जो कि तेज गेंदबाज रहेंगे, टी नटराजन, पैट कमिंस, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, और हर्षल पटेल जो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जो पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, और हर्षल पटेल आप लोगों को इस मैच में जो विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं। एडन मार्क्रम की बात करें तो दोस्तों इस मैच का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से एडन मार्क्रम। और दोस्तों यहाँ पर जो है बात करें यहाँ पर तीसरे और फाइनल टीम की, तो फाइनल टीम में जो तीसरी टीम है दोस्तों जॉनी बेस्टो है हमारी टीम में, शिखर धवन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, प्रभसरमन सिंह, एडन मार्क्रम, सैम करन, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, कगिसोर अवाड़ा और अर्शदीप सिंह। इस टीम में कैप्टन सैम करन है, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड है और दोस्तों ये रही हमारी तीनों की तीनों टीमें। तो दोस्तों तीनों की तीनों टीमों को कॉपी पेस्ट करके अभी के भी रख लीजिए और दोस्तों कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके लिए रख लीजिए ग्रैंड लीग के, चाहे आप 59 रुपये वाली खेलें, 39 रुपये वाली या 49 रुपये वाली, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख लीजिए। साथ में तीन टीम आप लोग बनानी है, और दोस्तों अगर तीन टीम बनानी है तो एक ही ग्रैंड लीग के अंदर खेलिए। अगर 59 रुपये वाली लगाना तो तीन टीम उसी के अंदर लगाना, 39 रुपये वाली लगाना तो तीन टीम उसी के अंदर लगाना, स्मॉल ग्रैंड लीग खेलना है तो वहां पर भी तीनों टीमें एक ही कॉन्टेस्ट के अंदर लगाना है। ये भी दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, अलग अलग कॉन्टेस्ट में जाकर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। तो दोस्तों जो टीम मैंने बनाई उसको कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए। टॉस के बाद आप लोग फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आप लोग टॉस के बाद फाइनल टीम मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सिर्फ वीडियो देख के अपना प्रॉफिट नहीं करवाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।